माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड शनिवार शाम से शुरू हुई है, जो 12 नवंबर की दोपहर तक जारी रहेगी। पहले दिन ही ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की। ईडी के अफसरों की टीम रात करीब 12:45 बजे दफ्तर पहुंची और सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया। ईडी की दूसरी टीम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा है। वही अब्बास को एक हफ्ते तक यहीं रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि ईडी की टीम बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी ले जाएगी, जहां वित्तीय अनियमितता और अवैध कमाई से जुड़े हुए तमाम मामलों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी ईडी की टीम को पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर मामलों में या तो जानकारी नहीं होने की बात करता है या फिर सिर झुकाकर चुप्पी साध लेता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ईडी की टीम एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद अब्बास को दोबारा रिमांड पर लिए जाने की मांग भी कर सकती है। हालांकि पूछताछ के दौरान ईडी की टीम को अब्बास से कई अहम जानकारियां भी हासिल हुई हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी को अब्बास से पूछताछ में जिस तरह से तथ्यों का खुलासा हो रहा है, उसमें मुख्तार अंसारी के परिवार पर आने वाले दिनों में और शिकंजा कसना तय है। अब्बास की कस्टडी खत्म होने के बाद ईडी मुख्तार अंसारी के परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों को भी समन जारी कर सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है और जरूरत पड़ने पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है।